जो बद्दी पिंजौर रोड पे मड़ा वाला पुल है और जो चरनिया पुल है या फिर जो बद्दी टोल बैरियर के साथ जो हमारा पुल अभी कुछ दिन पहले क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके बारे में हमने NHAI की अथॉरिटीज़ से बात करी थी और आज उनके जो ऑफिशियल्स हैं पुल को विज़िट करने आ रहे हैं, चेक करने आ रहे हैं। तो उनकी विज़िट के बाद हमें एग्जैक्ट टाइमलाइन क्लियर हो पाएगी कि कब हम उसको कितनी देर तक उसको रिपेयर करा के रीस्टार्ट करवा पाएंगे। सेकंडली, जो आपने माजरी का बताया, माजरी और जो नवानगर दो गांव हैं बल खड़ के दोनों तरफ, उस क्षेत्र में हमने और कल ADC साहब के साथ और CPS साहब के साथ उस क्षेत्र को हमने देखा था जाके। तो तब तक तो वो पुल ठीक था, और लेकिन जो माजरी और नवानगर दोनों गांव ही जो बल्द खड़ की तरफ धीरे धीरे स्लाइड हो रहे हैं, तो आज जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई है कि माजरी गांव और नवाग्राम को जो कनेक्ट करने वाला पुल था वो डिस्ट्रॉय हो गया है। उसकी वेरिफिकेशन के लिए हमने कुछ एक लोकल लोगों से बोला है कि उसको चेक करके दोबारा बताएं, जैसे ही हमें सूचना प्राप्त होती है हम उस पर एक्ट करेंगे। अभी मैम बद्दी पुलिस द्वारा एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया है जिससे कि चाहे ये पुल टूट गए हैं उसके बावजूद भी मतलब जो यातायात की आवागमन की सुविधा है वो चालू रहे, तो उस ट्रैफिक प्लान को फॉलो किया जा रहा है। बाकी हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो NHAI की अथॉरिटीज़ हैं उनसे फॉलो अप करके इन सभी पुलों को जल्दी से जल्दी रिस्टोर करवाएं, और नहीं तो कोई कॉजवे बनवा के जो मूवमेंट है उसको रीस्टार्ट करवा लें। सर जो हेलीपैड के साथ जो दो अप्रोच रोड्स हैं, जो ब्रिजेस हैं, उनके बारे में जो हमें सूचना प्राप्त हुई है, वो अप्रोच रोड्स BBNDA के अंडर आते हैं, तो जो BBNDA के अधिकारी हैं उनको इस बारे में अवगत करवा दिया गया है, और उनके जो इंजीनियर्स हैं वो जल्दी साइट पे जाके उसको चेक करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ को, अगर उसमें कोई स्ट्रेंथनिंग मेजर्स लेने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी BBNDA के द्वारा किया जाएगा। पहले तो जो हमारा प्रयास रहेगा, पुलिस का भी प्रयास रहेगा और लोकलों का प्रयास ही होगा कि हम यही आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि वो जो लेडी हैं वो सेफ़ हों, और सबसे पहले जो हमारा प्रयास है उनको बचाने का ही रहेगा। अगर उसके बाद जो हमें सूचना प्राप्त होगी फिर उसके अकॉर्डिंग इसमें एक्ट किया जाएगा। कि उनको डेड डिक्लेयर नहीं किया गया जी। ये जो पुल दबा था उसकी मरम्मत हो सकती थी, लेकिन आज तड़के 3 बजे ये जो बीच के दो पिलर थे वो ढह गए। आजो।